हालेलुया। विनिंग सोल प्रोग्राम में मैं आपकी खादमा मिसेज अनवर फजल। आपको पता है कि जैसे कि रोज़ाना आपके साथ होते हैं, पास्टर अनवर भी फेसबुक पे आपके साथ लाइव होते हैं रोज़ाना, और बहुत खूबसूरत मैसेज पास्टर अनवर भी देते हैं, और उन्होंने बहुत ही खूबसूरत मैसेज दिए हैं इन दिनों। तो खुदामंद आपको बहुत बरकत दे। बहुत से लोग कॉल करते हैं कि जब भी हमें प्रॉब्लम होती है, जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम फेसबुक ऑन करते हैं, यूट्यूब ऑन करते हैं, आइजक टीवी देख लेते हैं, और हमारी मुश्किलात यीशु के नाम से जाती रहती हैं। यकीनन मेरा खुदावंद, जिंदा खुदावंद जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है, मेरा खुदावंद मौजज़ात करता है। उसने कहा बड़े बड़े काम। वो बड़े बड़े काम क्या हैं हमारी ज़िंदगी में? जो हम रोज़ाना गवाहियाँ सुनते हैं, हमारी ज़िंदगी में गवाहियाँ होती हैं। यकीनन आपकी ज़िंदगी में गवाहियाँ होती हैं, यकीनन मेरी ज़िंदगी में गवाहियाँ होती हैं। जब हमारी ज़िंदगी में गवाहियाँ होती हैं, मौजज़ात होते हैं, तो हम जो हैं खुदावंद में और बढ़ते हैं, मज़बूत होते जाते हैं, ताकि हम खुदावंद के कलाम को पढ़ें और उस पर अमल करें। आज जो आप मेरा टॉपिक है, बहुत से लोगों ने बताया कि बहुत से घरों में बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो वो डिस्कस करते हैं। फैमिलीज़ में प्रॉब्लम होती है, मियाँ बीवी में प्रॉब्लम होती है, बच्चों में प्रॉब्लम होती है। पर आज जो है मैं ज़िक्र करूँगी कि कलाम कहता है कि मैं तलाक से बेजार हूँ। और तलाक एक ऐसी चीज़ है, जब आप जो लड़ाई झगड़ा देखते हैं, जब आपके बच्चे हो जाते हैं और आप घर में फसाद होता है, और मियाँ बीवी जो लड़ते रहते हैं, उनकी कई 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 साल, 20-20, 30-30 साल हालांकि हो जाते हैं, और फिर भी वो एक दूसरे को गाली गलौज, एक दूसरे के लिए बुरा भला, और फिर भी जो है वो आखिरी मोमेंट में कहते हैं कि मैं तलाक दे दूंगा। पर हमें खुदा ने कहा है मैं तलाक से बेजार हूँ। और मिलाकी उसका 2 बाब और उसकी 14 से लेके 15, 16, 17 जो 18 है आपके लिए बड़ी खूबसूरत बयान की गई है। और अगर आप मियाँ बीवी हैं तो ज़रूर पढ़ें। कलाम कहता है कि तुम में तो भी तुम कहते हो कि सब क्या है? सब ये हैं कि खुदावन तेरे और तेरी जवानी की बीवी के दरमियान गवाह हैं, तो उससे बेवफाई की है। अगर जो वो तेरी बीवी है, और क्या उसने एक ही को पैदा नहीं किया? इसलिए कि पास उसके पास और भी जो है बहुत से तरीके थे, और भी उसने कहा कि पास मौजूद थे, पर क्यों एक ही को पैदा किया? उसके अंदर क्वेश्चन मार्क है, 2-3 दफ़ा उसने क्वेश्चन मार्क किए हुए हैं। इसके अंदर एक क्वेश्चन मार्क किया है, क्यों उसने एक ही को पैदा किया, क्वेश्चन मार्क एक। फिर उसने कहा है बस औरों को क्यों, और क्या खुदा के पास बहुत से प्लान नहीं थे? उसके अंदर भी उसने कहा क्यों। और इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इसलिए कि खुदा तर्स नस्ल पैदा हो सके। नस्ल होती है जो है बीवी से नस्ल होती है, इसी वजह से पैदाइश में उसने नर और नारी पैदा किया, ताकि नस्ल डेवलप हो। और अगर नस्ल आपसे डेवलप होती है, मेरे से डेवलप हुई है नस्ल, तो हम जो है जैसे कि हम रास्तबाज बेटियां हैं, बीवी हैं, लड़की हैं, तो रास्तबाज होने के लिए हमें होश में आना चाहिए, ताकि हम होश में आए। और जो बीवी है उसको चाहिए कि आप दुआ करें, आदमी है उसको चाहिए कि दुआ करें। और उसके अंदर क्वेश्चन मार्क है कि क्यों कर उसके पास बहुत से और प्लान थे, क्यों उसने एक ही को चुना? ताकि उसके अंदर लिखा है कि खुदातर नस्ल उस वक्त पैदा होती है जब आपके प्लान खुदा के साथ जुड़ जाएं, जब आपके प्लान खुदा के साथ मिल जाएं। और नस्ल दर नस्ल वो तेरी जो है बीवी को, बच्चों को, और इसी तरह से उसने कहा है कि मैं जो है पुश्त दर पुश्त नस्ल को बरकत दूंगा। वो कैसे बरकत देगा? जब आपकी घरों में लड़ाइयाँ झगड़े होंगे तब वो बरकत देगा, जब आपकी मियाँ बीवी के झगड़े होंगे तब वो बरकत देगा, और आपके इर्द गिर्द के माहौल को देख के तब वो बरकत देगा? नहीं, वो आपको उस वक्त बरकत देगा जब आप भी खुदा तर्स होंगे, आपकी नस्ल भी खुदा तर्स होगी, और खुदावन यकीनन आपकी और मेरी दुआओं को सुनता है। और उसने नस्ल का जिक्र किया है, जब एक औरत एक बच्चा पैदा करती है, बेटा बेटी, तो नस्ल पैदा करती है, एक घराना पैदा होता है। तो आप अपनी जो है जो बीवी है वो खुदा तर्स होनी चाहिए, बंदा है वो खुदा तर्स होना चाहिए। और उसने कहा मैं तलाक से, आगे वो कहता है कि मैं, क्योंकि खुदा इसराइल का खुदा फरमाता है मैं तलाक से बेजार हूँ। और इसमें भी जो अपनी बीवी पे जुल्म करते हैं, आज जितने मर्द हजरात सुन रहे हैं, बजाय कि आप इनको मारें, बहुत से जो है, एक भाई मेरे पास आए,
और उन्होंने बताया कि उनके जो कोई रिश्तेदार थे उन्होंने कहा कि ये भाई जो है अपनी बीवी को इतना मारता है, पुलिस में वो था कि आके शराब पीता है और इतना मारता है, बहुत ज़्यादा रोज़ाना मारता है। इसके लिए बाजी दुआ करें ताकि ये तौबा करें। देखें मेरी बहन और मेरे भाई, अगर आप जुल्म करते हैं, ज़्यादती करते हैं, अगर आपके बच्चे होते हैं वही काम करते हैं, बेटा वही काम करता है, बेटी देखती है वही काम करती है, आप बराए मेहरबानी जुल्म ना करें, ना तशद्दद करें। बीवी, उसने कहा है, कलाम में लिखा है कि बीवी को अपने जिस्म की मानद मोहब्बत कर, अपनी मानद मोहब्बत कर, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें। बहुत ज़रूरी है कि आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें। बहुत ज़रूरत ये है कि आप उसकी लड़ाइयाँ झगड़े हैं, आपसी लड़ाई झगड़े हैं, फैमिलीज की लड़ाई झगड़े हैं, जो भी लड़ाई झगड़े हैं उसको तर्क करें। और ये तलाक तक नौबत पहुँच जाती है। कुछ फैमिलीज़ में ऐसे हैं कि माँ बाप जो है माँ बाप की नहीं सुनते और इसी वजह से तलाक की नौबत पहुँच जाती है। आजकल नौजवान लड़के लड़कियाँ हैं, प्यार होता है पर एक साल बाद अंडरस्टैंडिंग नहीं होती और तलाक हो जाती है। इसी चीज़ों से वह बेजार होके कह रहा है कि मैं बेजार हूँ, और इसी चीज़ों से वजह से वो कह रहा है कि खुदा तरस नस्ल नहीं होती। जब आप नस्ल पैदा करते हैं, आप एक रूह को पैदा कर रहे होते हैं, उसके लिए आप दुआ किया करें ताकि एक नस्ल जो पैदा हो रही है वो खुदा तरस हो, खुदा से डरने वाली हो, खुदा के खौफ में रहने वाली हो। और उसके बाद वो कहता है उस पर जुल्म ना कर। बहुत से मर्द हैं बहुत जुल्म करते हैं, क्योंकि मर्द यहाँ पे कहते हैं कि जी जो है औरतों को कोई समझा नहीं जाता, उनके राइट्स नहीं हैं, उनको मारा जाता है, उनको जो है जुल्म किया जाता है। मैं उन मर्दों को भी कहना चाहूँगी कि आप मर्द ज़रूर हैं पर खुदावंद के हुक्मों को माने, खुदावंद के हुक्मों को सुने। और खुदावंद ने आपको अपनी शबीह पे बनाया है और आपकी शबीह खुदा से मैच करती है। खुदा ने आपको इसलिए बनाया है कि आप अपनी बीवी को लिफ्ट अप कर सकें, ना कि उसको मारने के लिए, ना कि उसको गुराने के लिए, ना कि उसको धमकाने के लिए, ना कि उसको जुल्म करने के लिए। आप उससे प्यार करें, उससे मोहब्बत करें, क्योंकि वो आपकी नस्ल को डेवलप कर रही है। अपनी नस्ल के लिए दुआ करें, अपने आप के लिए दुआ करें, अपनी फैमिलीज के लिए दुआ करें, आने वाली पुश्त के लिए दुआ करें, ताकि उसमें उसके ऊपर लिखा है खुदावंद तेरी और तेरी जवानी की बीवी जो आप बीवी जो होती है वो कहता है जवानी की बीवी के दरमियान में खुदावंद होगा। तो खुदावंद उस वक़्त कब होगा? जब रास्तबाज बीवी होगी, रास्तबाज जो है हस्बैंड होगा, ताकि वो एक दूसरे के लिए बरकत का बाइस बन सके, एक दूसरे के लिए तरक्की का बाइस बने। जितने भी मुझे व्यूवर्स सुन रहे हैं और देख रहे हैं, बहुत सी फैमिली में बहुत सी तलाक है, बहुत से मसले हैं, मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, तकलीफ़ें हैं, दुख हैं, परेशानियाँ हैं, और एक दूसरे को ऐसे जो है देखना भी नहीं चाहते, एक दूसरे को देखना पसंद भी नहीं करते। और अगर मियाँ बीवी हैं, बीवी किसी और कमरे में सोती है, आदमी किसी और कमरे में सोता है, बच्चे किसी और जगह पे जाते हैं, कोई पता नहीं है कि घर में कैसे रहना है, क्या तौर तरीका है, खुदावंद क्या सिखाता है, हमें क्या सिखाता है और क्या बताता है कि मियाँ बीवी रास्तबाज हो गए तो नस्ल भी रास्तबाज होगी। आगे बच्चे भी फिर वैसे ही काम करते हैं कि हमारे बाप ने तो ये किया है हमारी माँ के साथ, हमारी माँ ने तो ये किया है हमारे बाप के साथ, फिर आगे बच्चे भी वैसे ही काम करते हैं क्योंकि बच्चों के सामने सब कुछ है। तो आप अपने आप को क्या नमूना दे रहे हैं? कलाम कहता है, कलाम की ये खूबसूरत बातें हैं, और कलाम की बहुत सी ऐसी बातें हम जो हैं देखते हैं, इफ्सियों में भी हम देखते हैं, उसमें लिखा है अपने आए बीवियों अपने शोहरों की ऐसे ताबिया रहो जैसे खुदा की। अब मैं जो है औरतों के ऊपर आती हूँ कि शोहरों के ऐसे ताबिया रहो। अगर शोहर आपका मारता है, नशा करता है, शराबी है, या कुछ भी इस तरह काम करता है जो आपको लगता है कि ये मेरे लिए परेशानी का बायस है या दुख है, उसने कहा है उसके लिए दुआ करनी चाहिए और ताबिया रहना चाहिए। उसके ताबिया रहें, उसके लिए दुआ करें, उसके लिए आप बरकत का बायस बने, क्योंकि अगर बीवी जो है रास्तबाज है तो उसकी वजह से शोहर बच जाएगा, और अगर शोहर रास्तबाज है तो उसकी वजह से बीवी बच जाएगी। उसके बाद वो कहता है क्योंकि शोहर बीवी का सर है जैसे कि मसीह कलीसिया का सर है और वो खुद बदन का बचाने वाला है, लेकिन जिसे कलीसिया मसीह के ताबिया है वैसे ही बीवियाँ भी हर बात में अपने शोहर के ताबिया रहें। आए शोहर अपने बीवियों से मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को इस वास्ते मौत के हवाले कर दिया। तो जिस तरह खुदा ने जैसे लिखा है वैसे वैसे आप करना शुरू करें, और बीवियां जो है हस्बैंड के ताबिया रहें, दुआ करें, एक दूसरे के लिए बरकत का बाइस बने, एक दूसरे को कहें
कि खुदावन हम दोनों को माफ़ कर, हमारी नस्ल को बहाल कर दे, हमारी नस्ल, आने वाली नस्ल बरकत पाए, हम दोनों बरकत का बाइस बने। और अगर आप तलाक देना चाह रहे हैं या आपका प्लान है तो खुदावंद की आगे रख लें आज से और कहें कि खुदावंद इस तलाक को कैंसिल कर देते और खुदावंद हमें बहाल कर देते ताकि आने वाली नस्ल हमारी बरकत वाली हो, आने वाली नस्ल हमारी तरक्की वाली हो। उसने कहा है कि तेरी नस्ल दर नस्ल पुश्त दर पुश्त के बारे में कहता है, और पुश्तें उस वक्त होती हैं जब रास्तबाज बीवी दुआ करती है, रास्तबाज बंदा दुआ करता है और मिल के दुआ करता है अपनी नस्ल के लिए ताकि आने वाली नस्लें भी वो बरकत पाएँ जो खुदा ने उनके बरकत का वारिस बनाया है, बरकत दी है। खुदावंद ने बरकत देने के लिए बनाया आपको, अपने अपने एक दूसरे के लिए बरकत चाहें, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, पॉजिटिव थिंग्स जो है क्रिएट करना शुरू करें बजाय कि नेगेटिव थिंग्स सोचते हैं। बीवी के लिए नेगेटिव सोचते हैं, बंदा जो है उसके लिए नेगेटिव सोचता है। पॉजिटिव सोचना शुरू कर दें, आज के बाद पॉजिटिव बोलना शुरू कर दें, पॉजिटिव कहना शुरू कर दें। जैसे जैसे आप पॉजिटिव कहना शुरू कर देंगी और आप भी कहना शुरू कर देंगे, वैसे वैसे वो क्रिएट करना शुरू कर देगा, वैसे वैसे होना शुरू हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में वैसा वैसा हो, और आज के बाद मियाँ बीवी जो बैठे हैं सुन रहे हैं मुझे, अपनी गलतियाँ गुनाहों को तर्क करके खुदा को पहन लें। खुदावंद जो आपको बरकत देता है और आपकी ज़िंदगी में जो है जलाली काम करना चाहता है, और तलाक को ख़त्म करें और अपनी ज़िंदगी में बरकत को लेके आएँ। यकीनन आपको ये कलाम से बरकत मिली होगी। तो जितने लोगों ने ये गवाहियाँ दी हैं, और आपको पता है कि वेनसडे में भी, बुध के रोज़ भी हमारे पास गवाहियाँ आती हैं, और जितने लोग गवाहियाँ देते हैं वो बरकत पाते हैं। आप भी ये गवाहियाँ देखें और बरकत पाएँ। God bless you all. जी, तो इस तरह आईसी टीवी के स्टूडियो में पहली बहन जो धर्मपुरे से है, पहली बहन से हम ये गवाही सुनेंगे और बरकत पाएंगे। जी बेटा, मेरे तरह से सबको सलाम। मेरे पापा का जॉब नहीं मिली थी और मैंने ना उधर से दुआ करवाई है ना, और मेरे पापा को ना और जॉब मिल गई और मैंने रा के इधर गवाही दी। हालेलुया। आप बता रही हैं कि आपके वालिद को जॉब नहीं मिल रही थी, जैसे ही आपने दुआ करवाई, आईसी टीवी देखा, तो किसने जॉब मुहैया कर दी? खुदा ने कर दी। जी सिस्टर जी, आपकी क्या गवाही है? मेरी ये गवाही है कि मेरी भाभी को ना ये छाती के ऊपर ना जहर बात था, दो महीने थे, तो वो उसको मैंने ना फैसलाबाद से बुलाया कि इधर आ जाओ तो मैं आपको ना सेंटर में लेके जाऊंगी। तो वो पास्टर शोकर से दवा करवाई, अभी हम बाहर ही गए हैं तो इधर ही उसका जख्म पाट गया। तो वो कितने देर से आपकी भाभी के जहर बात था? दो महीने से। और आप बता रही हैं कि जैसे दुआ करवाई वैसे वो जहर बात का फोड़ा जो था वो फट गया। दवाई किसने मौजजा कर दिया? आपने। खुदा आपके साथ हो बेटा, खुदा आपको भी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। जी, तो इस तरह आईसी टीवी के स्टूडियो में पहली बहन जो बागड़िया से है, पहली बहन से हम ये गवाही सुनेंगे और बरकत पाएंगे। जी सिस्टर जी, मेरी गवाही ये है कि मेरे भाई ने बाहर जाना था और हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की मगर काम नहीं बना था। फिर हमने इधर आके पास्टर नवर फजल से दुआ करवाई है। मेरे भाई मेरे अब्बू के साथ आए थे, तो उन्होंने यहाँ से दुआ करवाई और मेरे भाई का वीज़ा मिल गया। और कितनी देर से आपके भाई जो थे वो कोशिश कर रहे थे बाहर के लिए? तकरीबन दो तीन साल से। लेकिन किसी ना किसी तरह से रुकावट जो थी वो आ रही थी आपके काम में। जी, और जैसे आप लोगों ने दुआ करवाई तो किसने आपके भाई को वीज़ा मुहैया कर दिया? यसु ने कर दिया। तो अब आप खुश हैं? जी, बहुत खुश। दूसरी गवाही ये है कि मेरे भाई का रिश्ता नहीं था और हम इधर आते रहते हैं, दुआ करवाई है तो अब मेरे भाई का रिश्ता भी हो गया। और आप बता रही हैं कि भाई का रिश्ता भी नहीं होता था। जी, और जैसे ये दुआ करवाई तो किसने अच्छा जीवन साथी मुहैया कर दिया? यसु ने। जी, तो नाज़रीन आपने पहली बहन की गवाही को सुना है। अगर आपके भी रिश्ते में रुकावट है, आपको भी अच्छा जीवन साथी नहीं मिल रहा, तो ज़रूरत है कि मसीह के आगे झुके, क्योंकि ब्याह करना इज्जत की बात समझी जाती है और जिसे खुदा जोड़ देता है उसे कोई भी जुदा नहीं कर सकता। मसीह की मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी में मांगे ताकि खुदा आसमान के दरीचे खोल कर आपको बरकत दे। खुदा आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू। जी, तो इस तरह आईसी टीवी के स्टूडियो में पहली बहन है जो साहिवाल से आई है, पहली बहन से हम ये गवाही सुनते हैं, बरकत पाते हैं कि वॉचिंग आईसी टीवी। जी सिस्टर जी, खुदा के खादमों को दुआ करवाई सी ते मैनू सी शुक्र सी ते नाले आंदे सी तेनू टीवी दी शिकायत ते मैं दुआ इन्हां को कराई ते मैनू शुहा हो गई। हाँ जी, आपको डॉक्टर ने बताया था कि शुगर था और टीबी है। हाँ जी, तो मैं जैसे आपने खुदा के खादमों से दुआ करवाई तो किसने आपको शिफा दे दी? यसू ने। अब आप खुश हैं? हाँ जी, खुश हैं। खुदा आपके साथ हो, खुदा अपनी शिफा में आपको कायम रखे। गॉड ब्लेस यू। जी, तो इस तरह आईसी टीवी के स्टूडियो में पहले भाई है जो लाहौर बत्ती चौक से है, पहले भाई से हम ये गवाही सुनेंगे, बरकत पाएंगे कि वॉचिंग आईसी टीवी। जी ब्रदर,
ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬੁੱਧ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਈ ਮੈਂ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਧੇ, ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੈਨਸ਼ਨ ਚ ਐਚ ਹੈਗਾ ਸਾਂ। ਬੁੱਧ ਮੀਟਿੰਗ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਖੁਦਾਨ ਦੇ ਖਾਦਮਾ ਕੋ ਦੁਆ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰਚੀਆਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਅਨਵਰ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਖੁਦਾਨ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਸੁਣ ਲਈ ਆ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦੇ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾਨ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਕਰੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਬੁੱਧ ਮਿਣਕ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਖੁਦਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਦੇਰ ਆਇਆ ਵੇ ਕੰਮ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਦਾਨ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਅਨਵਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਸੇ ਖੁਸ਼ ਆਮਦ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸੁਣ ਵੀ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੁੱਧ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਆਪ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਕੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਆ ਹੁਆ ਥਾ, ਔਰ ਆਪਕੇ ਪੇਪਰ ਜੋ ਥੇ ਵੋ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਥੇ, ਆਪਕੋ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਥੀ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਸੇ ਆਪਕਾ ਕਾਮ ਜੋ ਥਾ ਵੋ ਰੁਕਾ ਹੁਆ ਥਾ, ਔਰ ਜੈਸੇ ਆਪ ਯਹਾਂ ਪਰ ਆਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਆ, ਆਪਨੇ ਦੁਆ ਕੀ, ਤੋ ਕਿਸ ਨੇ ਆਪਕੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੋਂ ਕੋ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਆ? ਮਸੀਹ ਨੇ। ਆਪਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਕੀ ਕਿ ਮੈਨੇ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਮੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਤਾ ਰਹਾ। ਹਾਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਈ। ਜੈਸੇ ਆਪ ਦੁਆ ਕਰਤੇ ਰਹੇ, ਕਰਵਾਤੇ ਰਹੇ, ਤੋ ਕਿਸ ਨੇ ਆਪਕੋ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਦਿਆ? ਯਿਸੂ ਨੇ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਰ ਦਿਆ ਜੀ। ਤੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਆਪਨੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਕੀ ਗਵਾਹੀ ਕੋ ਸੁਣਾ, ਅਗਰ ਆਪਕਾ ਵੀ ਕਾਮ ਰੁਕਾ ਹੁਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਤੋ ਖੁਦਾ ਕਾ ਕਲਾਮ ਵਾਜ਼ਿਆ ਤੌਰ ਪਰ ਮੇਰੇ ਔਰ ਆਪਕੇ ਲਈ ਬਿਆਨ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਮੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੋ, ਬਿਲਾ ਨਾਗਾ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਆਪ ਵੀ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਖੁਦਾ ਆਪਕੋ ਵੀ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ, ਆਪਕੇ ਵੀ ਸਭ ਮਸਲੋਂ ਕੋ ਹੱਲ ਕਰੇ, ਆਪਕੇ ਵੀ ਦਿਲ ਕੀ ਮਰਾਦੋ ਕੋ ਪੂਰਾ ਕਰੇ, ਆਪਕੋ ਵੀ ਵੀਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇ, ਤੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਖੁਦਾ ਸੇ ਮਾਂਗੇ। ਖੁਦਾ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਹੋ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਜੀ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈਸੀ ਟੀਵੀ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਮੇ ਪੈਰੀ ਬਹਿਨ ਜੋ ਦਰੋਗੇ ਵਾਲਾ ਸੇ ਆਈ ਹੈ, ਪੈਰੀ ਬਹਿਨ ਸੇ ਹਮ ਯੇ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣੇਂਗੇ ਔਰ ਬਰਕਤ ਪਾਏਂਗੇ। ਜੀ ਸਿਸਟਰ ਜੀ। ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਕੋ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਸੇ ਸਲਾਮ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਘਰ ਮੇਂ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨੋਂ ਸੇ ਨਾ ਬੁਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆ ਗਈ ਥੀ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਬੁੱਧ ਖੁਦਾ ਕੀ ਖਾਦਮਾ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀ, ਔਰ ਉਸੀ ਵਕਤ ਹਮਾਰੇ ਘਰ ਸੇ ਬੁਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਆਪਕੇ ਘਰਾਨੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਥਾ ਵੋ ਅਬਲੀਸ ਕਾਮ ਕਰ ਰਹਾ ਥਾ। ਜੈਸੇ ਖੁਦਾ ਕੇ ਖਾਦਮੋ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀ, ਆਪਨੇ ਆਈਸੀ ਟੀ ਵੀ ਵੀ ਦੇਖਾ, ਈਮਾਨ ਰੱਖਾ, ਤੋ ਕਿਸ ਨੇ ਆਪਕੋ ਅਬਲੀਸ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹਥਕੰਡੋ ਸੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿਆ? ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਨੇ। ਖੁਦਾ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਹੋ, ਜਬ ਵੀ ਆਪਕੋ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਖੁਦਾ ਸੇ ਦੁਆ ਕੀਆ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਕਾ ਕਲਾਮ ਵੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਬਲੀਸ ਕਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ ਤੋ ਵੋ ਤੁਮਸੇ ਭਾਗ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਵੋ ਕੈਸੇ ਭਾਗ ਸਕਤਾ ਹੈ, ਵੋ ਦੁਆ ਸੇ ਭਾਗ ਸਕਤਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਅਮਦ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਹੋ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਜੀ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈਸੀ ਟੀਵੀ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਮੇ ਬੇਟੀ ਹੈ ਜੋ ਇਕਬਾਲ ਥਾ, ਉਨਸੇ ਇਸ ਬੇਟੀ ਸੇ ਹਮ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣਤੇ ਔਰ ਬਰਕਤ ਪਾਤੇ ਹੈ। ਜੀ ਬੇਟਾ। ਆਪ ਸਭ ਕੋ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਸੇ ਸਲਾਮ। ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈ, ਦੋ ਦਿਨ ਸੇ ਬਿਮਾਰ ਥੀ, ਤੋ ਹਮਨੇ ਉਨਕੀ ਦਵਾਈ ਹਮਨੇ ਦੋ ਦਫਾ ਉਨਕੀ ਦਵਾਈ ਲਈ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸੇ, ਤੋ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਉਨਕੋ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਬਹਾ ਜਬ ਹਮ ਸਭ ਉਠੇ ਤੋ ਵੋ 7 ਵਜੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਥੀ, ਤੋ ਜਬ ਹਮ ਉਨਕੋ ਮਤਲਬ ਦਵਾਈ ਕਾ ਹਮਨੇ ਮੇਰੀ ਮਮਾ ਕਹਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਕੋ ਦਵਾਈ ਲਾ ਕੇ ਦੇਤੇ, ਹੋਸਪਿਟਲ ਲੇ ਕਰ ਜਾਤੇ ਹਮ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਸਿਸਟਰ, ਹਮ ਦੋਨੋਂ ਕਾ ਈਮਾਨ ਥਾ ਕਿ ਹਮ ਇਨਕੋ ਦੁਆ ਪਰ ਲੇ ਕਰ ਜਾਏਂਗੇ ਤੋ ਯੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਹਮ ਯਹਾਂ ਪਰ ਆਏ ਹੈਂ, ਪਾਸਟਰ ਸ਼ੋਕਤ ਸੇ ਹਮਨੇ ਦੁਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, 11 ਵਜੇ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ ਨੇ ਹੋਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਹਮ 9:30 ਯਹਾਂ ਪਰ ਆਏ ਥੇ ਔਰ 11 ਵਜੇ ਉਸਨੇ ਹੋਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਪਾਸਟਰ ਸ਼ੋਕਤ ਸੇ ਜਬ ਹਮਨੇ ਦੁਆ ਕਰਵਾਈ ਤੋ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਹੋਸ਼ ਕੀ, ਔਰ ਮੈਨੇ ਕਹਾ ਥਾ ਕਿ ਜਬ ਵੋ ਹੋਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤੋ ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੇ ਨਾਮ ਕੋ ਜਲਾਲ ਦੂੰਗੀ, ਗਵਾਹੀ ਦੂੰਗੀ। ਬੇਟਾ ਆਪਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਆਪਕੀ ਬਹਿਨ ਕੋ ਇਸ ਕਦਰ ਸ਼ਦੀਦ ਬੁਖਾਰ ਥਾ ਕਿ ਉਸਕੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹਾ ਥਾ ਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ 3 ਘੰਟੇ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਬੇਹੋਸ਼ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜੈਸੇ ਆਪ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਖੁਦਾ ਕੇ ਖਾਦਮੋ ਸੇ ਦੁਆ ਕਰਵਾਈ, ਤੋ ਕਿਸ ਨੇ ਉਸਕੋ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ ਦੀ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ। ਖੁਦਾ ਅਮਦ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਹੋ, ਆਪਕੇ ਘਰਾਨੇ ਕੋ ਵੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਜੀ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈਸੀ ਟੀਵੀ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਮੇ ਪੇਰੇ ਭਾਈ ਹੈ ਜੋ ਧਰਮਪੁਰੇ ਸੇ ਆਏ ਹੈ, ਪੇਰੇ ਭਾਈ ਸਮ ਯੇ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣਤੇ ਹੋ, ਬਰਕਤ ਪਾਤੇ ਹੈ ਕੀਪ ਵਾਚਿੰਗ ਆਈਸੀ ਟੀਵੀ। ਜੀ ਬ੍ਰਦਰ। ਬਾਜੀ ਸਲਾਮ। ਬਾਜੀ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਗੁਨਾਹ 'ਚ ਫਸੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਆਈਸੀ ਟੀਵੀ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ, ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵੀ, ਤੋ ਸਾਰੋ ਨਾ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਦੋਸਤ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਐਸੀ ਮਦਦ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿੱਤਾ ਬੱਚੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਆਪਕਾ ਅਸ਼ਰਫ, ਆਪ ਬਤਾ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪ ਪਹਿਲੇ ਆਪਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਥੀ ਵੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਨਾਹ ਮੇਂ ਥੀ ਔਰ ਖੁਦਾ ਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਆਪ ਰਹਤੇ ਥੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਨਾਹ ਚ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਬੁੱਢੀ ਵੀ, ਬੀਵੀ ਵੀ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ,
دعا کرتے رہے رو رو کے بہت پریشانی ہر وقت گھر کے اندر لڑائی جھگڑا رہتا تھا روٹی پانی تو بھی باجی پریشان ہو گئے سن جڑا پیسہ ہونا باہر ہی جایا کر دینا گھر بچے بھوکے بیٹھے نے اور جس سے آپ بتا رہے ہیں کہ خدا کے خادم کا کلام آپ نے آئزک ٹی وی پر سنا تو کس نے آپ کے دل کو تبدیل کر دیا یہ سنیں کس نے آپ کی زندگی کو تبدیل کر دیا یہ سنیں جی تو ناظرین آپ نے پیارے بھائی کی گواہی کو سنا کہ پیارے بھائی کی زندگی جو تھی وہ گناہ میں تھی خدا سے بہت زیادہ دور تھے اور ہر طرح کا گناہ جو تھا وہ پیارے بھائی کی زندگی میں پایا جاتا لیکن جیسے ہی انہوں نے آئزک ٹی وی دیکھا تو کسی انسان نے نہیں بلکہ خدا نے ان کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا اگر آپ بھی خدا سے دور ہے اس گواہی کو سن رہے ہیں تو خدا کو قبول کر لیجیے کیونکہ خدا کے کلام کا وعدہ ہے کہ کوئی نشہ باز اس کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا اگر آپ اس کی بادشاہی کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو تیار کرے اپنی زندگی مسیح کو دے دے کیونکہ جب ایک روح زمین پر توبہ کرتی ہے تو آسمان پر لاکھوں فرشتے شادمان ہوتے ہیں ضرورت ہے کہ آپ بھی مسیح کی بادشاہی کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں خدا آمد آپ کے ساتھ ہو گاڈ بلیس یو جی تو اس طرح آئی سی ٹی وی کے اسٹوڈیو میں پیری بہن جو سیال کوٹ سے آئی ہے پیری بہن سے ہم یہ گواہی سنتے ہیں اور برکت پاتے ہیں کہیں مت جائے گا دیکھتے رہیے گا آئی سی ٹی وی جی سسٹر جی میری طرف سے آپ سب کو سلام میری گواہی میری زندگی میں تو بہت زیادہ گواہی ہیں میرے خاوند کی 5 ماہ سے پے رکی ہوئی تھی تو وہ جاری ہو گئی یہاں 5,000 میں نے بھیجا اور میری زندگی میں اور گواہی ایک یہ ہے میرے بچے کا 2 ماہ سے گلا بند تھا تو آئزک چینل کے سامنے میں نے خود بیٹھ کر دعا کی صبح 5:30 بجے تو اس دن کا اس کا گلا کھلا ہے پیاری بہن آپ بتا رہی ہیں کہ آپ کے شوہر کی جو پے تھی وہ پچھلے 5 مہینے سے رکی ہوئی تھی اور جس سے آپ نے دعا کروائی آئی سی ٹی وی دیکھا برکت کو لیا تو کس نے سارے دروازوں کو کھول دیا یسو نے کھول دیا اور آپ بتا رہی ہیں کہ آپ نے شکر گزاری کے لیے 5,000 ہدیہ بھی دیا جی تو جس طرح سے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے گا اور اسی طرح آپ نے بتایا کہ آپ کے بیٹے کا گلا 2 مہینے سے بند تھا تو وہ کھل گیا میں نے دعا کی تو دعا کے وسیلہ سے کس نے کھول دیا یسوع مسیح نے آپ کے ساتھ ہو اور خدا ہر ایک چیز میں برکت ڈالے گاڈ بلیس یو جی تو اس طرح آئی سی ٹی وی کے اسٹوڈیو میں پیری بہن جو پتوں کی سیاہی ہے پیری بہن سے ہم یہ گواہی سنیں گے اور برکت پائیں گے کی واچنگ آئی سی ٹی وی جی سسٹر جی میری شادی کو 8 سال ہو گیا تھا میرے پاس اولاد نہیں سی ہے اور میں نے آئی سی ٹی وی دیکھا اور خدا نے مجھے اولاد دی 8 سال میری بہن آپ نے بتایا کہ آپ کی شادی کو ہو گئے تھے اور آپ کے یہاں اولاد نہیں تھی اس سے پہلے آپ بہت سے ڈاکٹروں کے پاس بھی جاتی ہوں گی جی بہت دوائیں لی تھیں اور مان ہے اور آج ٹی وی کے آگے تیل اور پانی رکھا اور خدا نے شفا دی اور خدا نے بیٹا اور بیٹی دونوں دیے جی آپ بتا رہی ہیں کہ بہت سے ڈاکٹروں کے پاس گئے لیکن آرام نہیں آیا اور جیسے آئزک ٹی وی دیکھتی رہی مسا کیا ہوا تیل لگاتی رہی تو کس نے آپ کو بیٹا بھی دے دیا بیٹی بھی بخش دی یسوع مسیح اب آپ خوش ہیں جی بہت خوش آئزک ٹی وی کی طرف سے آپ کو آپ کے سارے گھرانے کو بہت مبارک ہو گاڈ بلیس یو جی تو اس طرح آئی سی ٹی وی کے اسٹوڈیو میں پہلی بہن جو سیکھم سے آئی ہے سنتے ہیں خدا نے اس گھرانے میں کیا کام کیا اس گواہی کو سنیے گا اور برکت پائیے گا جی سسٹر جی میرا نہ کلیجے تو سوج بڑی ہی تو زخم ہو گیا تو میرے کو ٹرے نے بہت پیسہ لایا میں کتوں بچی نہیں میں جو دو بدھ اتنے آئی تو میرے رمان آ گیا بڑا پیسہ لایا تو پھر ایک میری گواہی میرے گوڈیاں تو ٹریا نہیں سی جانا جی میں تھلے بہ جی تو کسی منجی نے سہارا کرتے تو اندر تو اٹھ دی سا تو دو بدھ میں اتنے آئی تو صحیح ہو گیا آپ نے بتایا کہ آپ کے میدے پر بہت زیادہ زخم تھے اور گھٹنوں میں بھی بہت زیادہ درد رہتی تھی اور دعاؤں کے وسیلہ سے کس نے آپ کو شفا دے دی سن یسو نے دے دی ہماری دعا ہے کہ خدا اسی طرح اپنی شفا میں آپ کو قائم رکھے گاڈ بلیس یو جی تو اس طرح آئی سی ٹی وی کے اسٹوڈیو میں پیری بہن جو گجراوالا سے آئی ہے پیری بہن سے ہم یہ گواہی سنیں گے اور برکت پائیں گے جی سسٹر جی میری گواہی یہ ہے کہ باجی میرا نا بیٹا باہر گیا تھا تو میں نا بہت ہی پریشان تھی تو میں کہہ رہی تھی خدا بھائی یسوع مسیح میرے بیٹے نے صحیح سلامت پہنچائی میں جا کے گواہی دوں گی دوسری گواہی یہ ہے کہ میرے بیٹے تے نا کالا جادو ہوا سی خدا نے میں ٹی وی اگے بیٹھ کے دعا کی تھی خدا نے میرے بیٹے نے شفا دیتی میرے بہن آپ نے بتایا کہ آپ کا بیٹا جو تھا وہ باہر کے ملک جانے کو تھا جیسے وہ وہاں پر پہنچا تو آپ نے خدا کی شکر گزاری کی آپ بتا رہی ہیں کہ بیٹے کے اوپر کالا جادو بھی کیا گیا تھا وہ اس نے خدا یسوع مسیح نے شفا دی ہے اس کو دعاؤں کے وسیلہ سے کس نے ابلیس کے سارے ہتھ کنڈوں سے آپ کے بیٹے کو شفا بخشی یسوع نے آپ کے ساتھ ہو گاڈ بلیس یو جی تو ناظرین اس آئی سی ٹی وی کے اسٹوڈیو میں پیری بہن جو فیصلہ باد سے آئی ہے پیری بہن سے ہم یہ گواہی سنتے ہیں اور برکت پاتے ہیں جی سسٹر جی مسیح میں سب کو سلام اور میری گواہی یہ ہے کہ نا میرے نا پیچھے کمرے میں بہت زیادہ درد تھا اور نا
टांगें अकड़ी हुई थी बहुत ज़्यादा, कि चला भी नहीं सही तरह जाता था, और ना ऑपरेशन का डॉक्टरों ने बताया था। और जब हम यहाँ पे आए पूरे ईमान के साथ, यीशु ने शफा दी। कितनी देर से आप बता रही हैं कि आपसे सही तरह से चला नहीं जाता था? मरहल 3-4 साल हो गए थे। 3-4 साल से। और मेरी बहन, आपके दर्द की वजह से आप डॉक्टर के पास भी जाती होंगी, इलाज भी करवा रही थी? बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी आराम नहीं मिला? बिल्कुल नहीं। जैसे आप यहाँ पर आई, दुआ करवाई, तो आपके ईमान के वसीला से किसने आपको शिफा दे दी? यीशु ने दे दी। यकीनन नासरीन, आपने मेरी बहन की गवाही को सुना, और अगर आपका भी ईमान है तो खुदा के कलाम में लिखा है कि जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। मैं और आप शिफा पा सकते हैं, अपने ईमान की बदौलत से शिफा पा सकते हैं। खुदा हमदा आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू। जी, तो इस तरह ICTV के स्टूडियो में मेरी बहन जो फैसलाबाद से आई है, मेरी बहन से हम ये गवाही सुनते हैं, बरकत पाते हैं। जी सिस्टर जी, 3 महीने हो गए थे मेरे बेटे की जॉब नहीं थी और जब मैं 3 महीने इधर आती रही हूँ, और मेरी लेडी डॉक्टर थी, उसका मियाँ आर्मी था, मेजर में था, तो मैंने उनसे एक बात की तो उन्होंने मेरे बेटे को नौकरी दी आर्मी में। तो इस दफ़ा वो गए हैं, अब छुट्टी आया है, आज 7 तारीख को उसने वापस चले जाना है। तो मैं कहती हूँ सब मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे बेटे के लिए दुआ करें, उसका दिल लग जाए ड्यूटी में। जी, आपने बताया कि बेटे के पास रोजगार नहीं था, जॉब नहीं थी। जी, जैसी दुआ करवाई तो किसने आपकी सोच से भी बढ़कर उसे अच्छी जॉब मुहैया कर दी? खुदा यीशु मसीह ने। हमारी दुआ है कि खुदा आसमान के दरीचे खोलकर आपको, आपके बेटे को भी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। जी, तो इस तरह ICTV के स्टूडियो में मेरी बहन जो नारोवाल से आई है, मेरी बहन से हम ये गवाही सुनते हैं और बरकत पाते हैं। जी सिस्टर जी। भाजी, मेरी गवाही इस तरह है कि मेरे शोहर ना 13 महीने गायब रहे ने, तो मैं भाजी 3 पौधे इतने आई हाँ, तो दुआ शौकत फसल को करवाई है। खुदावन का शुक्र है कि भाजी वो 13 महीने बाद खुद ही घर आ गए ने, मुलाजम ने आर्मी चे, तो उन पता नहीं चलता कि कितने गायब हो गए सन। तो हूँ खुदावन का शुक्र है, मैं 3 पौधे आई हाँ, रोजे की हालत च आई हाँ, तो अज खुदावन का लक शुक्र है कि वह खुद ही घर आ गए ने। इस तुम मेरी जिंदगी भाजी बहुत व्डा मुआवजा किया है, मैं खुदावन का लक शुक्र करनी है। तो दूसरी गवाही भाजी मेरी है कि मेरा बेटा है 4-5 साल का, वो छत तो डिगा से, वो तो भाजी काफ़ी ज़्यादा चोट लगी सी चेहरे पर, तो यानी कि वह बेहोश हो गया से, वो मुँह चो नक् चो बहुत ज़्यादा खून आता से। मैं हॉस्पिटल लैके गई हूँ, तो डॉक्टर ने मैं पूछा कि डॉक्टर साहब, एक खतरे वाली गल तो नहीं है? उन्हें आख्या कि मेरी भैन, असी तुहानू कुछ नहीं दस सकते जब तक ये एक्सरे ना होएगा सिर का। उन्होंने भाजी एक्सरे किया है, खुदावन का लक शुक्र है भाजी मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, मैंने आपने बताया कि 13 महीने हो गए थे, आपके शौहर का कुछ पता नहीं चल रहा था, घर से चले गए थे। जी बाजी जी, जैसे ही आपने दुआ करवाई तो किसने आपके शौहर के दिल में डाला और पाखरू आपके शौहर को घर वापस ले आया? ये सुना सर। अब आप खुश हैं? बहुत खुश हूँ बाजी। आप बता रही हैं कि आपका 5 साल का बेटा जो है वो छत से नीचे गिर गया। जी बाजी। डॉक्टर ने कहा था कि कुछ इसका पता नहीं चल रहा। जी बाजी। जैसे ही आपने दुआ करवाई तो किसने आपके बेटे को नई जिंदगी बख्श दी? सुनासरी ने। खुदावंद आपके साथ हो, आपके घराने को भी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। जी, तो इस तरह ICTV के स्टूडियो में मेरी बहन जो नौशहरा से है, मेरी बहन से हम ये गवाही सुनते हैं और बरकत पाते हैं कि वॉचिंग ICTV। जी सिस्टर जी, मेरी तरफ से आप सबको सलाम। सिस्टर, मेरी दुआ गवाही कुछ इस तरह है कि मेरा भाई था, तो उसकी आइज पे यानी कि बोल लगी थी, तो चेकअप के लिए गए थे, तो उन्होंने कहा था कि आइज जोन से टेढ़ी होगी है जिसकी वजह से दर्द होती है। तो फिर हमने प्रेयर रिक्वेस्ट जोन से लिख के पर्ची ICTV के नीचे रखी, तो खुदा ने उसे शिफा दी। मेरी बहन, आपने बताया कि भाई के बॉल लगी थी और डॉक्टर ने कहा था कि इसकी आँख टेढ़ी हो गई है जी, और उसकी वजह से उसके बहुत ज़्यादा दर्द रहती थी जी। और आप बता रही हैं कि सिर्फ आप लोगों ने एप्लीकेशन लिख के TV के नीचे रख दिया, जब भी ICTV लगता आप लोग दुआ करते थे जी, तो किसने आपके भाई को शिफा दे दी? हमारी दुआ है कि खुदा आपको भी बरकत दे और जो भी आपकी ख्वाहिश आता है खुदा उनको पूरा करे। गॉड ब्लेस यू। जी, तो इस तरह ICTV के स्टूडियो में मेरी बहन जो न्यू गार्डन टाउन से है, मेरी बहन से हम ये गवाही सुनेंगे और बरकत पाएंगे कि वॉचिंग ICTV। जी ब्रदर। सलाम बहन जी, जी मेरी जिंदगी में गवाहियाँ तो बहुत सारी हैं, लेकिन मेरी पहली गवाही ये है कि मैं यहाँ पे प्रेयर रूम में आता था, दुआ करते थे हम, तो कभी हमारे पास पैसे होते थे, कभी नहीं होते थे, तो हमें घर पे बैठे प्रॉब्लम होती थी कि अब बुध मीटिंग पे कैसे जाएंगे, तो हम दुआ करते थे कि खुदा हमें बाइक दे जी। तो खुदा ने हमें फिर बाइक दी है, तो ये चाबी है मेरे पास उसकी। मेरे भाई, आपने बताया कि आपके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि आप वेनसडे की मीटिंग में भी आ सकें जी जी, और आपने खुदा से यहाँ पर आके एक मोटरसाइकिल मांगी जी, तो किसने आपके दिल की मुराद को पूरा कर दिया? यीशु ने। किसने आपको मोटरसाइकिल दे दी?
यसू ने। जी सिस्टर जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? जी, मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी ये 11वें महीने में तो 6-7 महीने मुझे खांसी रही है और डॉक्टरों ने कहा था कि आप टेस्ट वगैरह करवाएं, उनको लगता था कि जैसे मुझे ना टीबी है। तो हम इधर आते थे, दुआ करवाते थे, तो खुदा का शुक्र है सब कुछ ठीक है। आपने बताया कि बहुत ज़्यादा आपको खांसी हो रही थी चंद महीनों से और डॉक्टर को लगता था कि शायद आपको टीबी है, जब टेस्ट किए तो किसने सब कुछ नॉर्मल कर दिया? खुदा यीशु मसीह। आपके साथ हो, खुदा आप दोनों को बरकत दे और हमारी दुआ है कि आसमान के दृश्य खोलकर खुदा रुपए पैसे की भी आपको बरकत देता रहे। गॉड ब्लेस यू। जी तो इस तरह आईसीटीवी के स्टूडियो में पेरी बहन जो नुशहरा विरका से है, पेरी बहन से हम ये गवाही सुनेंगे और बरकत पाएंगे। की वॉचिंग आईसीटीवी। जी सिस्टर जी, मेरी गवाही इस तरह है, काफ़ी साल तो बाबा शेर से तो एजिक चैनल बिंदे रहे, दुआ करते रहे, तो यीशु ने नाम दे दिता। कितने सालों से मेरी बहन आपको बवासीर थी? साल 10-12 साल से। 10-12 साल से। तो क्या आप इलाज के लिए, शिफा के लिए डॉक्टर के पास गई, कोई दवाई वगैरह भी खा रही थी आप? नहीं, यीशु के पास है। सिर्फ और सिर्फ 12 साल से थकी हारी आप यीशु के पास है, यीशु पर ईमान रखा, तो किसने आपको शिफा दे दी? बाप ने। खुदा आमदा आपके साथ हो और खुदा आपको अपनी शिफा में कायम रखे। गॉड ब्लेस यू। जी तो इस तरह आईसीटीवी के स्टूडियो में पेरी बहन जो कराची से आई है, पेरी बहन से हम ये गवाही सुनते हैं और भर कर पाते हैं कि वॉचिंग आईसीटीवी। जी सिस्टर जी, मैनू ना फाला जो हो गया दो और सज्जी साइड से नाल उल्टियाँ भी 9 महीने हो गए ने, नाल चक्कर उल्टियाँ आ, तीसरा बहुत दिन मैनू आँदी नो, तो अज मैं आखा गवाही देनी है। फिर आपने बताया कि आपको फालज हो गया था, बहुत ज़्यादा जो थे वो वॉमिटिंग आपको हो रही थी और अब आप अपना हाथ बिल्कुल सीधा कर सकती हैं, तो किसने आपको उठा खड़ा कर दिया? यीशु मसीह। किसने आपको शिफा दे दी? यीशु मसीह। हमारी दुआ है कि खुदा अकाबों की मदद आपको नया जोर दे, ताकत दे, हिम्मत दे, खुदा हम आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू। जी तो इस तरह आईसीटीवी के स्टूडियो में परी बहन जो कसूर से आई है, परी बहन से हम ये गवाही सुनते हैं और बरकत पाते हैं। कहीं मत जाएगा, देखते रहिएगा आईसीटीवी। जी सिस्टर जी, मेरी तरह से सलाम, मैं सायरा हूँ। मेरी बेटी जब पैदाइश होने वाली थी तो डॉक्टर ने शुरू से लेकर आखिर तक कहा कि इसका ऑपरेशन होगा, तो मैंने मान के साथ ना टीवी के आगे तेल और पानी रखा और वो ही लगाती रही और खुदावन ने मुझे चांसी बेटी दी। मेरी बहन सारा, आपने बताया कि पूरे 9 महीने डॉक्टर ने कहा था कि ऑपरेशन होगा, लेकिन जैसे ही आप आईसीटीवी देखना शुरू किया आपने, तो किसने आपको बरकत दी और सब कुछ नॉर्मल हो गया? खुदावन ने। खुदावन ने कर दिया। और किसने आपको प्यारा सा बच्चा अता कर दिया? खुदावन ने। आपको आईसीटीवी की तरफ से बहुत ज़्यादा मुबारक और हमारी दुआ है कि खुदा इसे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू। जी तो इस तरह आईसीटीवी के स्टूडियो में बेटी है जो गुलबर्ग से है, सुनते हैं खुदा ने इस घराने में क्या मौजज़ा किया है। इस बेटी की गवाही को सुनिएगा और बरकत पाइएगा। जी बेटा। मसीह में आपको सलाम। मेरी गवाही मामा से है। मेरी मामा को पार्किंसंस डिजीज़ डॉक्टर ने बताई थी और उन्होंने कहा था कि उनको 90% ये डिजीज़ है और उन्होंने टेस्ट करने के लिए कहा। हमने पास्टर शौकत फजल से प्रेयर कराई और खुदावंद का शुक्र है कि 90% बीमारी जो है वो 1% में तब्दील हो गई। खुदावंद का फजल है कि वो बिल्कुल ठीक है, ना हेडेक है, ना प्रॉब्लम है बाजू में और सारी पेन जी सुनाम से रिलीव हो गई। शुक्र है। तो बेटा आप बताएंगे जितने भी नाज़रीन इस वक्त गवाही को सुन रहे हैं कि ये बीमारी होने की वजह से किस चीज़ का ख़तरा हो सकता है, क्या कहा था डॉक्टर ने? इससे आपका जो ब्रेन है वो डैमेज हो सकता है और ये सारी बॉडी आपकी फंक्शन नहीं करती और आप नॉन स्टॉप शिवरिंग करते हो कि आप एक सेकंड नहीं होता कि आप शिवर ना करो। खुदावन ने बहुत बड़ा मुआवजा किया पास्टर शौकत से। हम लोग रेगुलर प्रेयर कराते रहे, खुदावन का शुक्र। तो आपकी वालदा की जो ब्लड सर्कुलेशन थी वो रुक रही थी और जैसे ही आपने दुआ करवाई तो किसने सब कुछ नॉर्मल कर दिया? खुदावन। हाँ जी। जी तो नाज़रीन आपने बेटी की गवाही को सुना कि इनकी वालदा की ब्लड सर्कुलेशन जो थी वो रुक रही थी, काम नहीं कर रही थी, फालज होने का भी ख़तरा था, लेकिन जब मेरा और आपका यीशु जब मेरी और आपकी ज़िंदगी में आ जाता है तो कोई बीमारी हमारे बदन में ठहर नहीं सकती। खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू। जी तो इस तरह आईसीटीवी के स्टूडियो में पेरी बहन जो नारोवाल से आई है, पेरी बहन से हम ये गवाही सुनते और बरकत पाते हैं। जी सिस्टर जी, मेरी कोई गवाही है कि मेरे बेटे सी तो मेरे दिमाग से कोई जॉब नहीं सी, 6 माह तो उन्होंने टेस्ट तो रखा था सी मेरे दिमाग नू। फिर मैं इतने आई, पहले बोली आई तो मैं दवा करवाई तो अगले दिन गया तो उन्होंने मैडम ने कहा कि रिजवान तो पक्का हो गया। आपके दिमाग के पास आप बता रही हैं कि रोज़गार नहीं था ना। और 6 महीने दवाओं के वसीला से उन्होंने पहले टेस्ट पर रखा और जैसे ही आपने अपने ईमान को मजबूत किया तो किसने जॉब को पक्का कर दिया? मेरे मसीह ने। यस
یسوع مسیح نے. جی تو ناظرین آپ نے اس گواہی کو سنا ہے. اگر آپ کے پاس بھی روزگار نہیں ہے تو وقت ہے کہ خدا سے مانگنے کا, کیونکہ میرا اور آپ کا زندہ خدا بار بار یہ کہتا ہے مانگو تو تم کو دیا جائے گا, ڈھونڈو تو پاؤ گے, دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. جب تک آپ اسے پکاریں گے نہیں وہ جواب کیسے دے گا. ضرورت ہے کہ میں اور آپ اپنے منہ کو کھولے تاکہ مسیح سے مانگے اور وہ میرے اور آپ کے منہ کو اپنی برکات سے, اپنی شفا سے, اپنی قدرت کے کاموں سے بھر دے. خدا مدد آپ کے ساتھ ہو. گاڈ بلیس یو. جی تو اس طرح آئی سی ٹی وی کے اسٹوڈیو میں پیری بہن جو گرین ٹاؤن سے ہے, پیری بہن سے ہم یہ گواہی سنتے ہیں, بڑھ کر پاتے ہیں. جی سسٹر جی, میری طرف سے اسلام ہے. بھاجی میری گواہی ہے, پہلے میرے ساڈی جگہ ہے سی, وہ ساڈے رشتے داراں نے کھو لی تے اسی پھر ایتھے دعا کرواندے رہے پاسٹر کو شوکت کو. پھر اس تو بعد سانو ہن چار مرلے جگہ اسلام آباد چ ملی ہے تے خدا دا شکر ہے. تے یعنی کہ پھر میرے بیٹے نو نا ایتھے پولیس نے جکڑ لیا سی بہت, جتھے اسی گھر چ رہنے ہاں نا, یعنی کہ وہ دے وچ گھر چ پولیس ہے, وہ کدی کوئی کسے نو مطلب بیمار کر دیندا کدی کسے نو. تے ہن خدا دا شکر اسی شوکت فضل کو دعا کرواندے رہے ہیں تے خدا دا شکر بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. ہاں جی ہاں جی, آپ نے بتایا کہ پہلے آپ کے پاس گھر تھا لیکن رشتہ داروں کی وجہ سے آپ سے وہ گھر جاتا رہا, لیکن جیسے آپ نے مسیح پر ایمان رکھا, دعا کرنا شروع کی, تو کس نے آپ کو اب نیا گھر مہیا کر دیا؟ یسوع مسیح نے. یسوع مسیح نے. اور آپ کا بیٹا جو تھا وہ ابلیس سے جکڑا ہوا تھا؟ جی ہاں جی. لیکن کس نے دعاؤں کے وسیلہ سے اسے بھی رہائی دی؟ یسوع مسیح نے. خدا آپ کے ساتھ ہو, اور خدا جو بھی آپ کے دل کی مراد ہے خدا اس کو پورا کرے. گاڈ بلیس یو. جی تو اس طرح آئی سی ٹی وی کے اسٹوڈیو میں پیری بہن جو سیون اپ سے آئی ہے, پیری بہن سے ہم یہ گواہی سنتے ہیں, برکت پاتے ہیں. جی سسٹر جی, میری گواہی یہ ہے کہ میں جاب لیس تھی, میرے پاس جاب نہیں تھی, اور میں ادھر ایک بدھ آئی ہوں تو دوسرے بدھ خداوند نے مجھے بدھ سے پہلے ہی خداوند نے مجھے کتھیڈرل ون میں جاب دے دی, اور میں خداوند کا شکر کرتی ہوں. اور پاسر شوکت فضل کے سے بھی میں پرے کروا کے گئی تھی, اور خداوند کا شکر ہے کہ مجھے بہت اچھی جاب خداوند نے مہیا کی ہے. پھر میں نے آپ نے بتایا کہ آپ کے پاس روزگار نہیں تھا. جی میں کافی ایک بدھ آپ یہاں پر آئی دعا کروائی, اور دوسرا بدھ آنے سے پہلے ہی کس نے آپ کے لیے جاب کے دروازے کھول دیے؟ یسوع مسیح نے. یسوع نے کھول دیے. جی تو ناظرین آپ نے پیری بہن کی گواہی کو سنا, اور خدا کا کلام بھی واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ ہنوز تو کہنا چکے گا اور میں تیری سن لوں گا. وہ میرے اور آپ کے مانگنے سے پہلے ہی مجھے اور آپ کو مہیا کر دیتا ہے, مجھے اور آپ کو وہ دے دیتا ہے, کیونکہ وہ اپنے بیٹے اور بیٹیوں سے پیار کرتا ہے. خدا ہم آپ کے ساتھ ہو. گاڈ بلیس یو. جی تو اس طرح آئی سی ٹی وی کے اسٹوڈیو میں بیٹی ہے جو خانے وال سے آئی ہے, اس بیٹی سے ہم گواہی سنیں گے اور برکت پائیں گے. کیپ واچنگ آئی سی ٹی وی. جی بیٹا. میرا نام سکینہ ہے اور میں خانے وال سے آئی ہوں. میرے بھائی کی گواہی ہے کہ اس کی شادی نہیں ہو رہی تھی, نہ رشتہ ہو رہا تھا, کہیں سے اچھا رشتہ نہیں آ رہا تھا. میری مما یہاں پہ آتی رہی ہیں, تین سنڈے وہ آئی ہیں, چوتھے سنڈے خدا کا شکر ہے کہ ان کا اچھا رشتہ ہوا اور اب ان کی شادی ہے. اور کتنی دیر سے بیٹا آپ کے بھائی کے رشتے میں رکاوٹ تھی؟ کافی دیر سے تھی, کافی دیر سے تھی, اور رشتوں کی تلاش میں تھے لیکن کوئی بھی اچھا رشتہ ملتا نہیں تھا. اور جیسے ہی دعا کروائی تو خدا نے بہت اچھا رشتہ دے دیا, اور 11 مہینے کی 12 تاریخ کو اس کی شادی بھی ہے. جی تو ناظرین آپ نے اس بیٹی کی گواہی کو سنا ہے. خدا جو ہے وہ قدرت کا خدا ہے, اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ بیاہ کرنا عزت کی بات سمجھی جاتی ہے. دیکھے کہ آدم جو تھا وہ اکیلا تھا, اور خدا نے اس کے لیے بھی مددگار کو قائم کر دیا. اگر آپ بھی اکیلے ہیں, آپ کے بھی رشتے میں رکاوٹ ہے, تو مسیح سے مانگے جو آپ کو دینے کے لیے تیار ہے. خدا ہم آپ کو برکت دے. گاڈ بلیس یو. جی تو اس طرح آئی سی ٹی وی کے اسٹوڈیو میں پہلی بہن جوہانیہ منڈی سے ہے, پہلی بہن سے ہم یہ گواہی سنتے ہیں اور برکت پاتے ہیں. جی سسٹر جی. سسٹر اسلام, میری گواہی اس طرح, میرے بیٹے دے نا پھوڑا اتنے 3 بار نکلیا سی کان تے, شوکت فضل سے 3 بار فضل کو دعا کروائی تو واقع گیا کہ بالکل نہیں ہویا. ہالیلویا. آپ بتا رہی ہیں کہ بیٹے کے ہر سال جو ہے وہ بار بار پھوڑا کان کے اوپر نکل آتا تھا, اور بہت بڑا پھوڑا نکل آتا تھا. اور جیسے آپ نے اس بار خدا کے قدموں سے دعا کروائی, آئی سی ٹی وی دیکھا, تو کس نے سب کچھ جڑ سے ختم کر دیا؟ یسوع نے کر دیا. ہماری دعا ہے کہ خدا آپ کو بھی برکت دے, آپ کے گھرانے کے ساتھ ہو, اور خدا جو بھی آپ کی خواہشات ہیں خدا ان کو پورا کرے. گاڈ بلیس یو. جی تو اس طرح آئی سی ٹی وی کے اسٹوڈیو میں پیری بہن جو 32 چوک لاہور سے ہے, پیری بہن سے ہم یہ گواہی سنیں گے اور برکت پائیں گے. جی سسٹر جی. بھائی جی, میرے نا بھائیوں کی گواہی ہے. بھائی میرے نا گیا باہر 7 سال ہو گئے نا, تو بھاجی میں 7 سال سے ادھر آتی رہی ہوں, پرچیوں بھر رہی, دعاواں کراتی رہی. 7 سال بعد میرے بھائی دے انہوں کاغذ بنے نا پچھلے مہینے, تو انہوں خداوند دا شکر ہے کہ 11ویں مہینے ہن انہوں نے کار آنا. ہالیلویا. آپ
بتا رہی ہیں کہ 7 سال ہو گئے تھے آپ کے بھائی کو باہر گئے ہوئے، اور بھائی کے پیپر جو تھے وہ تیار نہیں ہو رہے تھے، وہاں کی ریزیڈنس نہیں اس کو مل رہا تھا، اور جیسے ہی آپ لوگوں نے یہاں پر دعا کروائی تو کس نے اس کے سارے پیپر کو کلیئر کر دیا۔ اب آپ خوش ہیں؟ آپ کے ساتھ ہو، گاڈ بلیس یو۔ جی تو ناظرین اس طرح سی ٹی وی کے اسٹوڈیو میں پیری بہن جو اکاڑا سے ہے، پیری بہن سے بھی گواہی سنتے اور بڑھ کر پاتے ہیں کہ واچنگ آئی سی ٹی وی۔ جی سسٹر جی، تین ٹیک ہوئے سی مینو تے دوائیاں کھاندی رہی میں، تے دعا بھی کردی رہی ہوں میں، تے پانی تے تیل استعمال کردی رہی ہوں، تے خدا نے خود آپریشن میرا کیتا۔ ماں جی آپ نے بتایا کہ 3 دفعہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہوا جی، اور آپ ڈاکٹر کے پاس پہ جاتی رہی، دعا بھی کرواتی رہی، کس نے آپریشن کر دعا ہے کہ خدا اقابوں کی مدد آپ کو نیا زور دے، نئی توانائی دے، نئی طاقت دے، اور خدا آپ کو عمر کی درازی پیری سلامتی عطا کرے۔ خدا آمد آپ کے ساتھ ہو، گاڈ بلیس یو۔ جی تو اس طرح آئی سی ٹی وی کے اسٹوڈیو میں پیارے بھائی ہیں جو شیخو پورہ سے ہے، پیارے بھائی سے ہم یہ گواہی سنتے اور برکت پاتے ہیں کہ واچنگ آئی سی ٹی وی۔ جی بردر، میرے اس ٹانگ کو درد تھی باجی، میں چار ہفتے سی ایم ایچ میں ایڈمٹ رہوں، ڈاکٹروں نے کہا کہ آپریشن ہوگا، میں دوائیاں شوائیاں تو بہت کھادیاں نے باجی، سسٹر اتنے میں پہنچیا وہاں دعا کروائی تو میری لت ٹھیک ہو گئی ہے۔ کتنی دیر سے آپ نے بتایا کہ آپ کی ٹانگ میں درد تھی؟ 4 ماہ سے۔ 4 ماہ سے، اور آپ بہت سے ہاسپٹل میں گئے، علاج کروایا، دوائیاں لی، کریمیں بھی لگائی درد کی، لیکن پھر بھی آرام نہیں ملا۔ جیسے آپ یہاں پر آئے اور میں شفا پا گیا جی، کس نے معجزہ کر دیا؟ یسوع مسیح نے۔ آپ کے ساتھ، اور میری دعا ہے کہ خدا آپ کے روزگار میں بھی برکت ڈالے، گاڈ بلیس یو۔ جی تو اس طرح آئی سی ٹی وی کے اسٹوڈیو میں پیری بہن جو اکاڑا سے ہے، پیری بہن سے ہم یہ گواہی سنتے ہیں اور برکت پاتے ہیں، کہیں مچ جائے گا، دیکھتے رہے گا آئی سی ٹی وی۔ میں ایک گواہی دینی ہے کہ میری بچی تو بوا شیر سی، بڑے شیر دی، 10 سال ہو گئے سی، تو اتنے میں پروں 2 واری لے کے آئی ہوں تو انہوں آرام آ گیا سی۔ 10 سال سے آپ کی بیٹی کے بوا شیر تھی، اور جس سے آپ یہاں پر لے کر آئی تو کس نے اس کو شفا دے دی؟ یسوع نے دے دی۔ خدا آمد آپ کے ساتھ ہو، گاڈ بلیس یو۔ جی برادر، سسٹر میری اس طرف سے سلام، سب کو سلام جی، اور میں 3 سال سے جادوگروں میں پھنسا ہوا تھا لیکن خدا نے مجھے آزاد کیا۔ میرے بھائی آپ نے بتایا کہ 3 سال سے آپ جادوگری میں پھنسے ہوئے تھے، ہاں جی، اور جس سے آپ نے آئی سی ٹی وی دیکھا، یہاں پر آپ آتے رہے، خدا کی برکت کو لیتے رہے، تو کس نے آپ کو آزاد کر دیا؟ مجھے آزادی دی، مسیح نے آزاد کر دیا۔ جی تو ناظرین آپ نے پیارے بھائی کی گواہی کو سنا ہے کہ 3 سال سے وہ جادوگروں کے پیچھے لگے ہوئے تھے، لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تم سچائی کو جانو گے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ اگر آپ بھی جادوگروں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، جادو کرنے والوں کے پاس جاتے ہیں، تو ضرورت ہے کہ مسیح کو قبول کریں۔ جی بیٹا آپ کیا کہیں گی؟ سسٹر میری گواہی اس طرح سے ہے کہ میں پہلے بہت زیادہ بیمار تھی، 12 سال سے جیسے وہ عورت بیمار تھی، تو سیم میرا بھی وہی مسئلہ تھا، لیکن میں ہیزیٹیشن فیل کرتی تھی گواہی دیتے ہوئے، لیکن میں جب بھی نہیں تھی تو گواہی دیتی تو میں پھر سے بیمار ہو جاتی تھی، لیکن اب میں بالکل ٹھیک ہوں، آئی تھینک فل ٹو گاڈ۔ آپ نے بتایا کہ جس طرح وہ 12 برس سے عورت بیمار تھی، اسی طرح سے آپ بھی بیمار تھی؟ جی بالکل۔ کس نے دعاؤں کے وسیلہ سے آپ کو شفا دے دی؟ میرے یسوع نے شفا۔ جی بیٹا آپ کی کیا گواہی ہے؟ میں 3 سال سے بدرو گرفتہ تھی، تو خدا نے مجھے آزاد کیا اور مجھے پاکرو سے بلیس کیا، مجھے اور میری فیملی کو۔ 3 سال سے آپ جو تھی وہ بدرو گرفتہ تھی۔ جی تو ناظرین آپ نے اس پورے خاندان کی گواہی کو سنا ہے کہ جادو نے اس پورے خاندان کو جو تھا وہ جکڑ رکھا تھا، لیکن جب میں اور آپ خدا کے قریب آ جاتے ہیں، خدا کے پاس آ جاتے ہیں، تو کوئی بھی جادو، کوئی بھی موکل، کوئی بھی تاثیر میرے اور آپ کے اوپر ٹھہر نہیں سکتی۔ جس طرح سے خدا نے پیارے بھائی کو جو 3 سال سے جادو گرفتہ تھے، جو 3 سال سے ان کے اوپر جادو کیا گیا تھا، مسیح نے ان کو آزاد کر دیا۔ اگر آپ بھی جکڑے ہوئے ہیں، بدروہ سے جکڑے ہوئے ہیں، تو ضرورت ہے کہ مسیح کو قبول کرے، مسیح کو پکارے جو مجھے اور آپ کو آزاد کرنے کو تیار ہے۔ خدا آمد آپ کے ساتھ ہو، خدا آپ کے گھرانے کو برکت دے، گاڈ بلیس یو۔ جی تو اس طرح آئی سی ٹی وی کے اسٹوڈیو میں پیری بہن جو گجراوالا سے ہے، پیری بہن سے ہم یہ گواہی سنتے ہیں اور برکت پاتے ہیں۔ جی سسٹر جی، میری بھائی کا بیٹا نہیں سی، وہ بھی دعا کی ہو گئی، سارا ہو گیا، تو نال نال بلیس بھی کام کرتا، تو پھر میں دعا کروائی گی، تو میں کہوں پھر میں گواہی دوں گی، بلیس چھوڑ گیا، ایسا ہی۔ میری بہن آپ نے بتایا کہ آپ کے بھائی کے یہاں بیٹا نہیں تھا، اور جیسے دعا کروائی، ہاں، تو میرے بیٹے، کس نے بیٹا دے دیا؟ یسوع ہے۔ خدا آمد آپ کے ساتھ ہو، گاڈ بلیس یو۔ جی تو اس طرح آئی سی ٹی وی کے اسٹوڈیو میں پیارے بھائی ہیں جو جہانیہ سے ہے، پیارے بھائی سے ہم یہ گواہی سنتے ہیں اور برکت پاتے ہیں۔ جی برادر، سلام میری طرف سے سب کو باجی، میری گواہی اس طرح سے ہے کہ میں نے آج ایس سال میں نئی زندگی گزارا ہوں، میں نے توبہ کی، میں نے ٹائیفائڈ اسی سال میں بخار تھا، بہت زیادہ تھا، میری بچنے کی حالت بھی نہیں تھی، تو میں نے خدا آگے رو رو کر دعا کرتا رہا،
पास्टर अनमर साहब के पास भी आया तो मुझे शिफा हो गई। मैंने खुदा से बहुत बरकत दिन पर दिन ले रहा हूँ। भाई आपने बताया कि आपको टाइफाइड हो गया था और बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन जैसे ही आपने खुदा के खादमों से दुआ करवाई, आइजिक टीवी देखा, तो किसने आपको नई जिंदगी दे दी? यसम से दुआ है कि खुदा अकाबों की मदद आपको नया जोर अता करे। गॉड ब्लेस यू। जी तो इस तरह आइजिक टीवी के स्टूडियो में परी बहन है जो सियालकोट से है। परी बहन से हम ये गवाही सुनते हैं, बरकत पाते हैं। जी सिस्टर जी, मेरे बेटे दे ना डिग पिया सी ते मैं इत्थे दुआ करा के गई सा, 1.5 साल हो गया ते हुण मेरा बेटा ठीक ठाक। आप बता रही है कि आपका बेटा गिर गया था, बहुत ज्यादा चोट आई थी, लेकिन जैसे ही आपने दुआ करवाई तो किसने अपने कभी हाथ को बढ़ाकर बचा लिया? वो अपने खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू। जी तो इस तरह आईसी टीवी के स्टूडियो में परी बहन जो कोट अब्दुल मलिक से है, परी बहन से हम ये गवाही सुनते और बरकत पाते हैं। जी सिस्टर जी, मेरे बच्चे ने ना जरकान हो जाता सी हर साल, टाइफाइड बुखार भी हो जाता है, तो ऐदकी भी हो गया, तो मैं दुआ करांदी रही आईसी टीवी अगे बह के, तो वो फर च दर्द भी होंगी सी, टीके भी लवाए तो आराम नहीं सी आता, फिर दवा कराई, पानी पिंदे रहे ते तेल लाते रहे, तो खुदा ने उन्हें शिफा दे दी है। आप बता रही हैं कि हर साल आपके बेटे को यरकान भी होता था और टाइफाइड भी होता था, और जैसे ही आपने दुआ करवाई तो किसने सब कुछ ठीक कर दिया? यसु ने कर दिया। हमारी दुआ है कि खुदा आपको बरकत दे और जो भी आपके दिल की ख्वाहिश आते हैं खुदा उनको पूरा करे। गॉड ब्लेस यू। जी तो इस तरह आईसी टीवी के स्टूडियो में परी बहन जो गुजरात से है, परी बहन से हम ये गवाही सुनते हैं और बरकत पाते हैं। जी सिस्टर जी, भाई मेरी तरफ से आपको सलाम। मैंने ना टीवी के आगे बैठ के दुआ की अपनी बेटी के लिए, कहे खुदा उसको भाई औलाद जैसी बरकत दे, और उस टीवी के आगे बैठ के दुआ की तो खुदा ने उसको औलाद जैसी बरकत दी। कितनी देर से आपकी बेटी की औलाद नहीं थी? बस 2-3 महीने। 2-3 महीने ही हुए थे अभी शादी को। आज जैसे दुआ की तो किसने आपकी बेटी को लाजस्सी बरकत दे दी? सुबह अपने यस्सु ने दे दी। आपको बहुत ज्यादा बरकत दे खुदा। गॉड ब्लेस यू। जी तो इस तरह आईसी टीवी के स्टूडियो में परी बहन जो नारोवाल से है, परी बहन से भी गवाही सुनते और बरकत पाते हैं। मैं बहुत ज्यादा बीमार रहती थी और मुझे यहाँ पर मैं आ भी नहीं सकती थी। मेरी माँ ने और मेरे भाइयों ने मुझे यहाँ भेजा और 2 बुध में यहाँ पर आई हूँ, और मैं रात को सो भी नहीं सकती थी, बहुत ज्यादा खांसी होती थी। आज मैं महसूस कर रही हूँ कि मैं ठीक हो गई। आप बता रही हैं कि आप बहुत ज्यादा बीमार रहती थी जी, रात को आप सो भी नहीं पाती थी जी। और जैसे आप यहाँ पर आई, दुआ की, खुदा की बरकत को लिया अपनी जिंदगी में, तो किसने आपको शिफा दे दी? यसु ने। आप ठीक से सो सकती हैं जी। बहुत ज्यादा खांसी भी आपको होती थी जी, किसने आपको शिफा दे दी? यसु ने। हमारी दुआ है कि हर तरह की बीमारी आपके बदन से मुकम्मल तौर पर जाती रहे और खुदा हमेशा अपनी शिफा में आपको कायम रखे। गॉड ब्लेस यू। जी तो इस तरह आईसी टीवी के स्टूडियो में बेटी है जो भट्टा चौक से, इस बेटी से हम गवाही सुनते हैं और बरकत पाते हैं कि वॉचिंग आईसी टीवी। मेरी तरफ से खुदा यीशु मसीह की तरफ से सबको सलाम। मेरी गवाही ये है कि मेरी मामा 3 साल से बहुत बीमार थी। मेरी मामा को जोड़ों का दर्द था और मेरी बड़ी बहन को भी जोड़ों का दर्द था। तो हमारे घर में आइजिक टीवी मेरी मामा डेली लगाती हैं सुबह के वक्त, तो मैं टाइम से उठ जाती हूँ, फिर मैं दुआ करती हूँ कि मेरी मामा जल्दी से ठीक हो जाए। तो मैंने रेगुलर दुआ की तो अब मेरी मामा खुदावंद की फजल से बिल्कुल ठीक। और मेरे पापा सुबह डेली झगड़ा करते थे जॉब जाने से पहले, तो अब वो भी शुक्र है खुदावंद का कि मेरे पापा बिल्कुल चेंज हो गए हैं, बिल्कुल लड़ाई झगड़ा नहीं होता। आपने बताया कि 3 महीने से आपकी बहन को और आपकी वालदा को बहुत ज़्यादा जोड़ों में तकलीफ थी जी, से आप लोगों ने अपने घर में आइजिक टीवी के लिए डिश लगवाई, आइजिक टीवी देखना शुरू किया, तो किसने बरकत के दरवाजे खोल दिए? खुदावंद यीशु मसीह। किसने आपकी वालदा को और बहन को शिफा दे दी? खुदावंद यीशु मसीह। बता रही है कि आपके वालद जो थे वो बहुत ज़्यादा झगड़ा करते थे जी, दुआओं के वसीला से किसने मोहब्बत को कायम कर दिया? आपको आपके सारे घराने को बरकत दे। गॉड ब्लेस यू बेटा। तो जी वीवर, आपने गवाहियों से यकीनन बरकत पाई होगी और यकीनन आपकी जिंदगी में जो भी गवाही है आप व्हाट्सएप के जरिए भी हमें जो है शेयर कर सकते हैं, फेसबुक के भी जरिए हमें शेयर कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी गवाहियाँ आती हैं जो फेसबुक के जरिए आप बताते हैं, तो थैंक यू वेरी मच। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। और आज का कलाम आपके लिए था, अगर आप चाहते हैं कि आप बरकत पाएं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली डेवलप हो, अगर आप चाहते हैं कि आप एग्जांपल बने दूसरों के लिए, तो दुआ किया करें, अपनी फैमिलीज के लिए दुआ किया करें, मियां बीवी के लिए दुआ किया करें, क्योंकि कलाम कहता है कि मैं तलाक से बेजार हूँ। यकीनन जब आप ये मैसेज सुनते हैं
रोज़ाना आपके लिए बरकत वाला मैसेज होता है, रोज़ाना आपके लिए एक जो है मददगार जो पाक रूह है जो हमारी रहनुमाई करता है, हमारा अच्छा दोस्त है, आप हमेशा जो है उसे मांगा करें, उसे गाइडनेस कहा करें कि खुदावन तू हमें गाइड कर, हम मददगार पाक रूह हमें गाइड करें, और वो गाइड करेगा, आपको बताएगा, आपके बच्चों को जो है, और इसी तरह से मियाँ बीवी के अंदर जो प्रॉब्लम है, घरेलू प्रॉब्लम है, लड़ाइयाँ झगड़े हैं, हसद हैं, और बहुत बहुत सी ऐसी चीज़ें जो घरों में हैं जिसकी वजह से डिस्टर्ब हो जाता है घर, पीस नहीं होता, अमन नहीं होता, सुकून नहीं होता, इत्मीनान नहीं होता, और जब आप घर जाते हैं फिर से वो लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। तो मैं आपके लिए दुआ भी करूँगी, जितने मियाँ बीवी सुन रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए भी मैं दुआ करूँगी, जिन्होंने हमें फेसबुक पर भी भेजा है मैं उनके लिए भी दुआ करूँगी, जिन्होंने हमें ई मेल भी दी है, फेसबुक पर भी हमें बहुत सी रिक्वेस्ट आई हैं, उन सब के लिए मैं दुआ करूंगी। उन बहनों को भी मैं ये कहना चाहूंगी जो औरतें भाग जाती हैं और बेजार होती हैं, बहुत सी बहनें आके बल्कि मेरे पास आती हैं, वो कहती हैं कि हम घर से जो है भागती आई हैं और अपने बच्चों को छोड़ दिया, अपने हस्बैंड को छोड़ दिया है, और वो यहाँ पे आ जाती हैं। तो मेरी बेटी, मेरी बहन, ये काम करने से हमें काफ़ी दफ़ा सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे हैं, हमारी बेटियाँ हैं, बेटे हैं, हमारा फ्यूचर है, क्या मैं ये काम सही कर भी रही हूँ या मैं ठोकर का बाइस हूँ। और हम ठोकर का बाइस हो जाते हैं अगर हम गलत कदम रखते हैं, अगर हम गलत स्टेप उठाते हैं, तो ये हमारी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देती है। और इसी तरह से मैं क्योंकि मेरी टीम मुझे ये कह रही है कि भाई भी ऐसे करते हैं, जो आदमी हजरात ऐसे करते हैं, तो वो ये भी कहता है कि मैं तलाक से भी बेजार हूँ, और मैं ये इस प्रॉब्लम से जो भाई भी जो है वो बेजार हो जाते हैं समटाइम, और वो भागना चाहते हैं, दूसरी शादी करना चाहते हैं। तो भाई और बहन, मेरे लिए यही रिक्वेस्ट है कि अपनी ज़िंदगी में खुदावंद को अव्वल दर्जा दें और अपनी ज़िंदगी को खुदावंद के आगे सिलेंडर कर लें, ताकि सारी प्रॉब्लम, सारी परेशानियां यीशु के नाम से जाती रहें। और खुदावंद भी यही चाहता है कि मेरे लोग जो है मेरे पास आए, मुझसे मांगे, और वो पीस देने की कुदरत रखता है, वो बरकत देने की कुदरत रखता है, वो अमन देने की कुदरत रखता है। और आपने बहुत सी जो है गवाहियाँ भी आप सुनते हैं कि मेरी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम थी, तो यीशु के नाम से जाती रहे। आज आप भी चाहते हैं कि यीशु के नाम से आपकी घर में प्रॉब्लम्स जाती रहे, आपके फैमिलीज में प्रॉब्लम्स जाती रहे, तो अपने लिए दुआ किया करें, और अगर नहीं तो अपने आप को घुटनों के बल जो है झुका लें और दुआ किया करें, और खुदावंद से कहें कि मेरी फैमिली को बहाल कर दें। आज जितनी भी फैमिलियाँ हैं डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, घर से भाग गई है बेटी या भाई, कोई भी परेशानी है, उनके लिए भी मैं दुआ करूंगी। जितने भी फेसबुक पे जिन्होंने भेजा है उनके लिए भी दुआ करूंगी। आइए अपनी आंखों को बंद करें, मैं आपके लिए दुआ करूं। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुकदस, तेरा शुक्र करते आज के दिन के लिए, आज के लम्हे के लिए, यस्तु परे खुदावंद, अय खुदा खुदा इस कलाम के लिए, अय खुदा खुदा जिन फैमिलीज में ये परेशानियाँ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लड़ाई झगड़े हैं और तलाक की तक अय खुदा खुदा बात पहुँच चुकी है, खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है कि मैं तलाक से बेजार हूँ, यकीनन तू अपने ऐ खुदा खुदा लोगों के घरों में आ और इनकी फैमिलीज में बरकत दे। ऐ खुदा खुदा मियाँ बीवी में प्यार मोहब्बत डाल, ताकि सारी प्रॉब्लम्स परेशानी यीशु के नाम से जाती रहे। खुदावंद इसी तरह से खुदावंद जो भी परेशानियां हैं, घर में लड़ाई झगड़े हैं, नाफरमान बच्चे हैं, खुदा खुदा बेटियाँ हैं, ऐ खुदा खुदा गुनाह में हैं, ऐ खुदावंद इनके गुनाहों को तर करके खुदावंद इनके घर में अमन और सलामती हो। खुदावंद चू और बड़ी बरकत दे। जो बहन प्रेग्नेंट है यीशु पर है खुदावंद, तू अपना हाथ बढ़ाओ और बड़ी बरकत देना यीशु पर है खुदावंद, ताकि तेरा पाक रूह आए खुदा खुदा इस बच्चे पर, माँ को, दोनों को मैं तेरे हैंडओवर करती। जो ऑपरेशन का कहा है डॉक्टर ने, उनको कैंसिल कर देती और बच्चे भी नॉर्मल हो और माँ भी आई यीशु पर है खुदावंद, ताकि यीशु पर है खुदावंद तेरे पाक लहू को मांग लेती आई यीशु पर है खुदावंद, आए खुदा खुदा ताकि नॉर्मल डिलीवरियाँ हों, आए खुदा खुदा नॉर्मल हो बच्चे आई यीशु पर है खुदावंद, ताकि माँ भी और बच्चा भी सलामत हो। इसी तरह से हार्ट की प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से सारी प्रॉब्लम को रिमूव करना और मुकम्मल शिफा देना। हार्ट की प्रॉब्लम यीशु के नाम से जाती रहे। पाकरू तू छू, हम घटे और तू बड़े और तेरा बेटा इज्जत और जलाल पाए। इसी तरह से ऐ खुदा खुदा दिल के बंद हो और यीशु के नाम से खुलना शुरू हो जाएं और मुकम्मल शिफा पाए। ऐ खुदा खुदा अभी और इसी वक्त नॉर्मल काम कर। इस तरह आँखों में सफ़ेद मोतिया है, काला मोतिया है, यीशु के नाम से मुकम्मल शिफा दे, क्योंकि तू शाफी है और शिफा देने के लिए तू मौजूद है। अपना हाथ बढ़ा और इसकी सारी प्रॉब्लम को रिमूव कर। कानों में प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से सारी प्रॉब्लम को रिमूव कर, ताकि कानों की दर्द, कानों की प्रॉब्लम यीशु के नाम से जाती रहे। नाक में प्रॉब्लम है, गुदगुदे हैं, यीशु के नाम से सारी नाक की प्रॉब्लम को रिमूव कर और मुकम्मल शिफा दिया यीशु पर खुदावंद। सांस लेने में भी प्रॉब्लम है,
खुदावंद तू अपना हाथ बढ़ा के इनको मुकम्मल शिफा दे ताकि नॉर्मल है खुदावंद, दमे की बीमारी है, यीशु के नाम से सारी दमे की बीमारी को रिमूव कर और मुकम्मल शिफा दे खुदा खुदा। ऐ खुदा बाल झड़ की भी रिक्वेस्ट आई है कि बाल गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं खुदा खुदा, यीशु के नाम से सारी प्रॉब्लम को मैं तेरे हैंड ओवर करती है खुदा खुदा। पाकरू तू छू ऐ खुदा खुदा ताकि तेरा हाथ बढ़े यीशु पर खुदावन। इसी तरह से ऐ खुदा खुदा गले में प्रॉब्लम है, गिल्लड़ है खुदा खुदा, यीशु के नाम से सारी प्रॉब्लम को रिमूव कर। दांतों में इन्फेक्शन है और अभी और इस वक्त सारे इन्फेक्शन को ख़त्म करा यीशु पर खुदावन। ऐ खुदा याददाश्त की प्रॉब्लम है यीशु पर खुदावन, तो सारी प्रॉब्लम को यीशु में तेरे हैंड ओवर करती हूँ और मुकम्मल शिफा दे ऐ खुदा खुदा। और इसी तरह से पेट में ऐ खुदा पानी है, डायलिसिस का है, यीशु के नाम से स्टॉप कर दे डायलिसिस, ताकि अभी और इसी वक्त डायलिसिस यीशु के नाम से ऐ खुदा खुदा स्टॉप हो, ताकि यीशु के नाम से अभी और इस वक्त मुआवजा कर, मुआवजा कर, मुआवजा कर, ताकि मेडिसिन ऐ खुदा खुदा ना लग सके यीशु पर खुदा, ऑपरेशन ना हो सके, ऑपरेशन को कैंसिल करते ऐ खुदा खुदा, ताकि सारी बीमारियाँ, सारी प्रॉब्लम्स, सारी मुश्किलात, सारे दुख यीशु के नाम से जाते रहें। जो जो बहनों ने रिक्वेस्ट भेजी है खुदा खुदा, भाइयों ने रिक्वेस्ट भेजी है खुदा खुदा, जिन जिन की प्रॉब्लम है यीशु के नाम से सारी प्रॉब्लम को रिमूव कर। कतर में है, कुवैत में है, यूरोप में है, अमेरिका में है, कनाडा में है, अफ्रीका में है, दुबई में है, किसी भी मुल्क में है खुदा खुदा, जिस जिस की प्रॉब्लम है, इमिग्रेशन के केस में प्रॉब्लम है यीशु पर खुदावंद, जॉब में प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, क्राइसिस है खुदा खुदा, सारी प्रॉब्लम को यीशु के नाम से मैं तेरे हैंड ओवर करती। तू अपना हाथ बढ़ा के सारी मुश्किलात को, प्रॉब्लम्स को ऐ खुदा खुदा अभी और इस वक्त जिंदगी में बरकत लेके आ ऐ खुदा, तरक्की लेके आ, बहाली लेके आ, सरफराजी लेके आ खुदा खुदा, जो खुदावन तेरी तरफ से है खुदा खुदा। और ऐ खुदा तू छूना और बड़ी बरकत देना यीशु पर खुदावन। पाकरू तू अब काम करना ताकि इनकी ज़िंदगी में मौजजात हो, ताकि ये गवाहियों को ऐ खुदा खुदा, ऐ खुदा खुदा इनकी ज़िंदगी में गवाहियाँ हों, ताकि ये आके ऐ खुदा खुदा सुनाएं भी और बरकत भी पाएंगे यीशु पर खुदावंद। इनकी ज़िंदगी में जैसा तू चाहता है वैसे वैसे ही काम करना। मुल्क पाकिस्तान को, अदलिया को, अदारों को ऐ खुदा खुदा, स्कूलों को, कॉलेजेस को मैं तेरे हैंड ओवर करती। तू अपना हाथ बढ़ा के बड़ी बरकत देना मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज हालेलुया। मेरा ईमान है कि मैंने दुआ की है और खुदावंद जिंदा खुदावंद है, जलाली परा खुदावंद है। आप यकीनन दुआ किया करें अपने लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए, मेरे लिए, पास्टर अनवरत के लिए दुआ किया करें। जब आप दुआ करते हैं और जब आप देखते हैं कि जब आप दुआ करते हैं तो गवाहियाँ होती हैं, तो जब गवाहियाँ होती हैं खुदावंद आपकी ज़िंदगी में काम करना शुरू कर देता है। खुदावंद को अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा मौका दें ताकि आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा खुदावंद काम करें और मौजज़ात करें, क्योंकि खुदावंद कहता है कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। ये मेरा काम नहीं है, ये आपका काम है, कि खुदावंद आपको भी चाहता है कि आप भी जो है वही काम कर सकते हैं जो हम कह रहे हैं। अगर खुदा से अगर आप मांगना चाहते हैं डायरेक्ट, तो खुदा से मांग लीजिए, उसे छीन लीजिए, उसे कहें कि खुदावंद मैं देने के लिए, खुदावंद देने के लिए तैयार है, आप लें। आप जो है उसे कहें, उसे जो है अथॉरिटी से कहें, ताकि खुदावंद आपको देता है और कसरत की बरकत देता है। और जितने भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं उनके लिए दुआ किया करें। और इसी तरह से हमारा एक पेज है, यूट्यूब पेज है, उसके ऊपर लिखे अनवर फजल ऑफिशियल को लाइक कीजिए। और इस तरह आप हमारी वेनसडे की इबादत को भी देख सकते हैं और इस तरह संडे की इबादत को भी देख सकते हैं। और अगर आप प्रेयर रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी आप प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। आपके लिए कंटिन्यूस हम दुआ करें। जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी मुश्किलात हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए दुआ करें तो आप भेज सकते हैं उसके ऊपर, ताकि आपके लिए दुआ की जाए। और उसको लाइक भी कीजिएगा और उसको देखें भी। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। और इसी तरह से जो है जितने भी मेरे पार्टनर हैं आइज़क टीवी के, खुदावंद आपको भी बहुत बहुत बरकत दे। खुदावंद आपकी भी ज़िंदगी में जलाली काम करें, खुदावंद आपके साथ हो। और इसी तरह से हम फिर नए प्रोग्राम में मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।